हेलो फ्रेंड्स, न्यू डे स्टार्टेड और आज बहुत ही भागम भाग वाला दिन जाने वाला है। खैर, सुबह सुबह सारी सब्जियां डिलीवर हो चुकी थी तो सबसे पहले मैंने उनको डाल दिया पानी में धोने के लिए। और आज खाने में बनना था हमारा ऑल टाइम फेवरेट बैंगन का भरता और साथ ही में दाल, क्योंकि नीर को बिल्कुल पसंद नहीं है बैंगन का भरता। खैर, सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दी नीर की टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि उसको निकलना था स्कूल के लिए। आज टिफ़िन में नीर ने लेके जानी थी वेजिटेबल सेवियाँ। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है इसकी। थोड़ा सा ऑयल गरम किया, उसके अंदर डाली एक चुटकी हींग, थोड़ा सा सरसों दाना और कड़ी पत्ता, चॉप्ड अनियन डाल के उसको किया थोड़ा सॉटे और फिर डाल दी सारी की सारी वेजिटेबल्स। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, बहुत ही सिंपल मसाले डाले, अच्छे से मिक्स किया और फिर डाल दी रोस्टेड वर्मसिली या रोस्टेड सेवियाँ। एक कप पानी डाला, अच्छे से मिक्स किया और ढक के रख दिया। 10 मिनट के अंदर हो गई थी वेजिटेबल सेवियाँ रेडी और साथ ही में हो गया था नीर का टिफ़िन पैक। नीर बाय। और जी के अगर बस में रिवाइज कर लेना। मुझे भी आज जल्दी निकलना था ऑफिस के लिए, तो बस फटाफट से पहले मैं चली गई अपनी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। आज सुबह से काफ़ी अच्छा सा मौसम लग रहा था, प्लेजेंट सा, तो बस फटाफट से अपनी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करी और मैं पहुंच गई घर। और आते ही मैंने स्टार्ट कर दिया था बैंगन को भूनना। जब तक बैंगन भून रहे थे, फटाफट से मैंने चॉप कर लिया था अदरक, लहसुन, प्याज और साथ ही में टमाटर और हरी मिर्च। बैंगन एकदम अच्छे से भून गए थे, उसको ठंडा करने रख दिया और साथ ही में रखी कढ़ाई और स्टार्ट कर दिया बैंगन के भरते के लिए मसाला बनाना। एक कढ़ाई में लिया सरसों का तेल, गरम होने के बाद उसमें डाली थोड़ी हींग, चॉप्ड अदरक लहसुन और उसको अच्छे से सॉटे करा और फिर डाल दिए थे चॉप्ड अनियन। थोड़ी देर भूना और डाल दी देगी मिर्च, सारे मसाले और साथ ही में चॉप्ड हरी मिर्च और टमाटर। जब तक मसाला भुन रहा था, बैंगन भी ठंडे हो गए थे, तो बैंगन को पहले मैंने छील लिया अच्छे से और उसके बाद उसको कर दिया एकदम क्लीन। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि बैंगन को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करना पड़ता है भरता बनाने के लिए। फाइनली भुने हुए मसाले में डाला बैंगन का भरता, थोड़ी देर उसको पकाया और लास्ट में किया धनिया से गार्निश और टेस्टी सा यम्मी सा बैंगन का भरता हो गया रेडी। साथ ही में नीर के लिए दाल भी रेडी हो गई थी, उसमें लगाया तड़का, अपना लंच पैक किया और मैं निकल गई अपने ऑफिस के लिए। आज मेरे कारपूल कुलीग ने भी नहीं आना था और मुझे जाना था किसी और के साथ, तो बस फटाफट से रेडी होके मैं निकल गई। और आज मौसम मॉर्निंग में जितना अच्छा था, जितना प्लेजेंट था, उतनी ही तेज़ धूप आ चुकी थी अब। शाम को ऑफिस से पहुंची घर तो नीर रेडी होके निकल ही रहा था बस अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे। क्या खा, क्या हो गए? चलो बाय। नीर के पापा का तो था आज वर्क फ्रॉम होम, तो बस फटाफट से दोनों के लिए बना दी थी मैंने भेल पूरी, उसमें डाल दिया था थोड़ा प्याज और साथ ही में दोनों के लिए टेस्टी सी अदरक वाली चाय। रात होते होते टाइम आ गया था जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी का। प्रसाद में थोड़ा सा मैंने बना दिया था ड्राई फ्रूट्स डाल के सूजी वाला हलवा। सूजी का हलवा जब ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, उबला हुआ पानी उसके अंदर सारा एब्जॉर्ब हो गया था, लास्ट में मैंने डाली चीनी। मैंने ऑब्जर्व किया है, इससे सूजी का हलवा काफ़ी खिला खिला बनता है। फाइनली भोग के लिए हो गया प्रसाद रेडी। दिन स्टार्ट तो हुआ था भागम भाग से, लेकिन एंड होते होते बन गया था एक अच्छा सा पॉजिटिव सा डे।